मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत केवल बनाने वाले को ही पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। राधे राधे शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आपने अक्सर ये देखा होगा कि मंदिर में लोग दूर से पैसे फेंक देते हैं, चाहे वो नोट हो या सिक्के। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। पैसे फेंकना एक अपराध है, वो मैं आपको बता रही हूँ। अक्सर हमने बहुत बार देखा है कि लोग मंदिर में अपनी जेब से 1, 2, 5 या 10 का सिक्का या कितने का भी नोट हो निकालकर भगवान के सामने फेंकते हैं और फिर हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं और मनोकामना भगवान से मांगते हैं। कैसी मूर्खता है ये लोगों की। कोई आपके सामने पैसे फेंक कर चला जाए तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं ना। आप उस व्यक्ति को बुलाकर कहोगे कि क्या तुमने हमें भिखारी समझ रखा है जो ऐसे पैसे फेंक कर जा रहे हो, तो सोचिए भगवान को कैसी फीलिंग आती होगी जब कोई उनके सामने पैसा फेंकता है। अब जो ये कहे कि भैया पत्थर की मूर्ति में कैसी फीलिंग, तो उनका मंदिर जाना ही बेकार है, क्योंकि भगवान में जान है, उनमें फीलिंग है, तभी तो हम मंदिर जाते हैं। 10 रुपए चढ़ाकर 10 करोड़ की कामना करते हैं कि भगवान हमारी ये इच्छा पूरी कर देना। भगवान के सामने शर्त रखते हैं, भगवान मेरे बेटे की नौकरी लग जाए तो मैं मंदिर में भंडारा करूंगा, आपके लिए अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाऊंगा, गरीबों को दान दूंगा। तो पहले अपनी कामना और बाद में इच्छा की पूर्ति में चढ़ावा। मेरे ये संकट टाल दो, मैं इतने रुपए दान कर दूंगा। पहले कुछ नहीं करेंगे, सब कुछ काम होने के बाद में करेंगे। क्यों भाई, भगवान को क्या जरूरत पड़ी है कि वो तुम्हें अपने होने का प्रमाण दे। ऐसे लोभी लालची व्यक्तियों को समझना चाहिए कि उसे तुम क्या दे दोगे जो संपूर्ण विश्व का पालन कर रहा है। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। देने वाला केवल एक ही है, वो है परमात्मा, और लेने वाली सारी दुनिया है। भगवान को आपका पैसा नहीं चाहिए, उसे तो आपकी सच्ची भावना और प्रेम चाहिए। उनके सामने जब भी जाए अपने पद पैसे ज्ञान का अहंकार त्याग कर दीनहीन बनकर जाना चाहिए, क्योंकि आपके पास जो भी है वो सब भगवान का ही दिया हुआ है। इसलिए आज के बाद कभी भी भगवान के सामने सिक्के या नोट नहीं फेंकने हैं। तो कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि ऐसी ही मोटिवेशनल बातों की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।